हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंडियन फूड बाइट। तो आज हम लोग बनाएंगे छोले मसाला। सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें पहले काबुली चना को ओवरनाइट सोक होने के लिए रख देना है। तो अब हमें इसे प्रेशर कुक में कुक करना है। इसके लिए हमने यहाँ पे एक चुटकी नमक डाल दिया है एंड कुछ 5 से 7 मिनट के लिए सीटी लगने के लिए छोड़ दिया था। फिर इसके ठंडा होते ही हम इसका लिड हटाएंगे एंड हम इसे ऐसे चेक कर लेंगे कि ये पका है या नहीं। साथ ही में अब हम इसका मसाला प्रिपेयर करेंगे। तो अब हमें यहाँ पे चॉप टमाटर, अनियन, अदरक, लहसुन एंड सूखी लाल मिर्च को एक साथ ग्राइंड कर लेना है। तो हमारे छोले मसाले का बेस रेडी हो गया है। तो अब हम यहाँ पे कढ़ाई में सरसों तेल का इस्तेमाल करेंगे एंड सरसों तेल के गर्म होते ही हम यहाँ बे लीव्स एंड जीरा ऐड करेंगे। साथ ही में अपने मसाले के लिए पेस्ट बना के रखा हुआ था, अब उस पेस्ट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे एंड इन सबको मिला लेंगे। यहाँ हम हल्दी पाउडर ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा कलर के लिए एंड इसे थोड़ा सा मिला के फिर यहाँ पे अभी हम भुना धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला का जो मिक्सचर है वो हमने बना के रखा हुआ था वो हम यहाँ पे ऐड करके मिला ले रहे हैं। तो मसाला अब हमें अच्छे से कुछ 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है, ये ऑयल्स रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। सो फ्रेंड्स, अगर आप इस रेसिपी में हमारे साथ अभी तक बने हुए हो तो प्लीज़ आप रेसिपी को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही में आप बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हम जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। तो हमारा ये मसाला अब पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। तो हमने जो छोले स्टीम करके रखे हुए थे वो अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे एंड इन सभी को मसाले में एक साथ मिला लेंगे। सो हमने 3 से 5 मिनट छोले को मसाले में ऑलरेडी पका लिया है। तो अब हम यहाँ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर रहे हैं एंड 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। इन सभी को हमें अच्छे से एक बार मिक्स कर लेना है ताकि नमक का टेस्ट एंड जो मिर्च का टेस्ट रहे वो इवेनली स्प्रेड आउट हो जाए हमारे पूरे छोले मसाले में। अब हम गैस को लो फ्लेम में करके इसे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए और पका लेंगे। अगर आपको ये ग्रेवी वाली खानी है तो आप यहाँ पे पानी ऐड कर सकते हैं, जिस भी कंसिस्टेंसी में आपको छोला चाहिए होगा उस हिसाब से आप पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे आधा ग्लास पानी ऐड किया हुआ था। तो आइए इन सभी को एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। हमारा ग्रेवी मसाला एंड छोले सब एक साथ मिल चुके हैं, अब भी ऑलमोस्ट रेडी है। हम इसे कुछ लास्ट 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। अब आप इसे गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। गार्निशिंग के लिए आप कुछ मिंट लीव्स, कोरिएंडर लीव्स ये सबको चॉप करके ऊपर से गार्निश कर सकते हैं। साथ ही में आप इसे भटूरे के साथ खा सकते हैं।